उसे बचाव दल की तरह ले या फिर आपदा प्रबंधन दल की तरह, और उसे रवाना किया तत्काल। तो हमारी टीम वहां गई है। परेशान भी है, तकलीफ भी है, आने का नहीं दिया तो तकलीफ हो गया। वहां के शासन जब उनको प्रेशर किए तब हमको पता चला कि हाँ है ऐसे करके। फिर हमारे पास जो हम श्रमिक जिसको छुड़ा के लाए हैं उनका मोबाइल नंबर था। तो ये टीम जो पहुंची उड़ीसा में बलांगीर ज़िले में, वहां से उन्होंने वहां के स्थानीय प्रशासन से साथ समन्वय किया, तो ये अच्छी बात रहेगी जैसा भी रहा कि कोऑर्डिनेशन हो गया दोनों के बीच में। जिला प्रशासन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए गरियाबंद जिला के आमामोरा मोड़ के रहने वाले विभिन्न किसान और उनके परिवार के लोगों को कुछ तस्करों के द्वारा या फिर कुछ बिचौलियों के द्वारा अन्य प्रदेशों में ले जा करके बंधक बना लिया गया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने की थी, जिस पर गरियाबंद जिलाधीश दीपक अग्रवाल ने तत्काल पहल करते हुए ऐसे लोगों को छुड़वाने के लिए एक टीम गठित करते हुए तत्काल उनको छुड़वाने के हुए सफलतापूर्वक उनको छुड़वा के ले आए हैं। इस संबंध में गरियाबंद के SDM राकेश गोलचा जी से हम बात करते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ और उसको किस तरह सफलता मिली प्रशासन को? सर हुआ क्या था? सर देखिए, प्रकरण ऐसा है कि गरियाबंद तहसील के अंतर्गत एक दूरस्थ बस्ती है आमामोरा, वहाँ के जो 5 ग्रामीण हैं उनके बारे में उनके परिजनों ने शिकायत की थी कलेक्टर महोदय को कि कुछ महीनों से वो कमाने खाने के लिए बाहर गए थे, किंतु जब वो आना चाह रहे हैं तो उनको आने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की खबरें थी। तो जैसे ही कलेक्टर महोदय को जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यपालिक दंडाधिकारी, लेबर विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, ऐसे 4-5 विभागों का समन्वय करके एक समिति बनाई थी और उसे बचाव दल की तरह ले या फिर आपदा प्रबंधन दल की तरह, और उसे रवाना किया तत्काल। तो हमारी टीम वहां गई है और उड़ीसा में जो वहां के बलांगीर के जो प्रशासन है उनसे बातचीत करके समन्वय कर उनको ट्रैक किया, उनकी स्थिति को उन्होंने देखा वहां पे और स्वस्थ स्थिति में उन्हें वापस लेकर आए हैं। इसे उनको बचा कर लाना तो एक हमारा प्राथमिकता था ही वहां पर, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ और आगे इस तरह की गतिविधि किसी के साथ ना घटे इसकी भी हमको तैयारी करनी थी, तो ये भी हम उसके लिए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। परेशान भी है, तकलीफ भी है, आने का नहीं दिया तो तकलीफ हो गया। फिर यहाँ जिला प्रशासन को खबर किए थे? खबर तो नहीं दिया। कौन खबर किया फिर? उस हमारा सरपंच लोग ने खबर दिया। अब प्रसन्न हो, खुश हो घर आके? हाँ। अब खुश हो घर? हाँ, हाँ, घर घर जाएंगे, खुश है अभी। पहले तो हमसे छुपा रहे थे कि यहाँ पे इस नाम के श्रमिक नहीं आए हैं, हम लोग कोई श्रमिक नहीं रखे हैं ऐसे करके। उसके बाद जब वहाँ के शासन जब उनको प्रेशर किए तब हमको पता चला कि हाँ है ऐसे करके। फिर हमारे पास जो हम श्रमिक जिसको छुड़ा के लाए हैं उनका मोबाइल नंबर था, तो हम उसके नंबर में फ़ोन लगाए तो वो अंदर से फ़ोन में हमसे बात करते हुए निकला कि हम बोले कि हम छत्तीसगढ़ से आपको लेने के लिए आए हैं, आपके परिजन हमारे पास आवेदन दिए थे करके। तो वो पहले डरे हुए थे, जब हम ऐसे बताए तब वो हमसे फ़ोन में बात करते हुए बाहर निकले। तो हम उनको पूछे कि आप राम कुमार हो ना करके, तो बोले हाँ सर करके, तो हम आपको लेने आए हैं, आपके बाकी साथी कहाँ हैं, आप लोग कितने लोग हो? तो वो बताया कि सर हम लोग 4 श्रमिक हैं और एक हमारे बालिका है, तो हम लोग 5 लोग हैं ऐसे करके। तो अच्छा चलो ठीक है, तो हम लोग लेने। फिर वहाँ के शासन हमको अच्छा सहयोग किया, जो ठेकेदार है वो छुप गए कहीं, तो वो छुप गए तो उसके फिर हमारे जो पुलिस फोर्स है हमारे यहाँ गरियाबंद से गए थे और वहाँ से हमको जो फोर्स मिला था उनके माध्यम से अब हमको तो सरदार को पकड़ना था कि भी उनके लिए कार्रवाई होना चाहिए करके। तो उनको जैसे भी करके उसके मोबाइल नंबर ट्रेस करके उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनको वहाँ के थाना ले गए और हम सब हमारे श्रमिक के साथ सब वहीं गए। वहाँ जाने के बाद फिर हमको रिलीज सर्टिफिकेट दिया गया श्रमिक के संबंध में। फिर उनके बाद वहाँ के जो कलेक्टर सर के निर्देशन में हम ये श्रमिक को हमें सुपुर्द किया गया। वो ठेकेदार का क्या हुआ सर? वो जो ठेकेदार है उनके लिए कार्रवाई वहाँ के शासन द्वारा किया जाएगा। उसमें गरियाबंद तहसील अंतर्गत आमामोरा गांव है, दूरस्थ अंचल है। वहाँ से ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय को ये मतलब अपनी समस्या बताई थी कि उनके गांव के कुछ जो व्यक्ति हैं वो कमाने खाने के उद्देश्य से बाहर गए थे दूसरे राज्य में, उड़ीसा या तेलंगाना, वहाँ से वो वापस नहीं लौट पाए और कई महीने हो चुके हैं। उनका ये अंदेशा था कि उनको यहाँ से लौटने नहीं दिया जा रहा या बंधक बनाकर रखा गया है। तो जैसे ही कलेक्टर महोदय को जानकारी मिली उन्होंने तत्काल एक टीम का गठन किया आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से और उस टीम को वहाँ पर भेजा गया। तो ये टीम जो पहुंची उड़ीसा में बलांगीर ज़िले में, वहाँ से उन्होंने वहाँ के स्थानीय प्रशासन से साथ समन्वय किया, उन तक पहुँचे, इनकी रिकवरी हुई और स्वस्थ अवस्था में इनको वहाँ से मतलब इन्हें वापस लेकर आया गया है।
सर किन परिस्थितियों में उनको लाना पड़ा सर? क्या देखिए, इनसे जो प्रारंभिक अभी जो हम लोगों ने पूछताछ की है, हमारी टीम ने श्रम विभाग की और जो राजस्व विभाग की है, पुलिस की टीम है, उन लोगों ने उनको बहुत सहजतापूर्वक बातचीत किया, नॉर्मल किया, तो उनके बताए अनुसार जो प्रारंभिक पूछताछ है वो ये बताती है कि कुछ बाहर के कुछ व्यक्ति इन लोगों ने संपर्क किया था, कुछ रुपये वगैरह इनको दिए थे वहाँ पर कि मजदूरी करेंगे तो शायद कीमत अच्छी मिलेगी, तो अतिरिक्त आय अर्जन का भी इनका कहीं ना कहीं दृष्टिकोण नजर आया प्रथम दृष्टया, और वो उस तरफ उनकी बातों में आकर कमाने खाने के लिए गए, और 4-5 महीना काम करने के उपरांत में जब उनको लगा कि हमें लौटना चाहिए और उन्होंने इजाज़त मांगी तो उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी, तो इसके आधार पर ही हमको जैसी सूचना मिली और टीम वहाँ पर गई तो उसे वहाँ पर रिकवर करके वापस लाई है। सर टीम जो है दिक्कत बताती कि क्या दिक्कत परेशानी आई? देखिए बेसिकली कह रहे थे कि वो एक अलग राज्य प्रशासन है तो कुछ अलग नियम कायदे भी होते हैं और वहाँ वो अपने दृष्टिकोण से भी कुछ जांच करते हैं, हम अपने तथ्य तो रखते हैं वहाँ पे जो भी बातें रहती हैं, तो ये अच्छी बात रहेगी जैसा भी रहा कि कोऑर्डिनेशन हो गया दोनों के बीच में। बहरहाल ये कि जो भी व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था जिनके कहने पर ये गए हैं तो उनके प्रशासन से हमारी टीम ने अपेक्षा की है वहाँ पर आगे चल के उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे वो। आपने देखा कि किस तरह उड़ीसा में फंसे बंधकों को लाने के लिए जिला प्रशासन ने तत्परतापूर्वक कार्य किया और उस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली है और ये जो बंधक थे उनको आज छुड़वा करके गरियाबंद ले भी आए हैं। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।